आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। हमने इतनी सारी डिस्कशन करी, इतनी सारी, बस पूछो मत। बहुत सारी डिस्कशन हो गई है, अब तो पक्के से मिलना ही है मुझे तो। होपफुली जल्दी जल्दी ऐसा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके साथ ना मुझे भी डर लग रहा है कि यार इंटरव्यू कैसे होगा, मुझे भी डर लग रहा है। और मुझे ऐसा हो रहा है कि भाई आगे से हट जाऊंगी, जल्दी जल्दी इंटरव्यू उसको पहुंचाना, लेट ना हो जाएगी। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बता रही हूं, उसकी पार्टी करने जा रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। पर अभी मेरे को कोई आज मिला बंदा जिसको मैं ड्राइव पे लेके जाऊँ मम्मी के अलावा, मस्त मजा आया पूरी दिल्ली को। मैम आज तो बॉय मैम बिज मॉल गए अभी। थैंक यू सो मच यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट यार, सच्ची है यार। जा रही है और मैं जा रही हूँ वापस घर ड्राइव करके। सो गाइस अभी मैं बना रही हूँ पोहा, और पोहा हो गया 8:30 बजे उठी आज पहली बार, तो जल्दी उठ के पोहा बना रही है क्योंकि क्योंकि अभी आई हुई है प्रीति, तो अभी उसका इंटरव्यू है, तो जैसे ही जब अभी वो नहाने गई हुई है, तो जैसे वो वापस आएगी तब मैं अपनी शक्ल भी दिखा पाऊँगी। मेरी शक्ल भी ज़्यादा ही बुरी हो रही है अभी, तो उसको भी ढक देते हैं इस पर ना, क्या बोलते हैं, हाँ तो कॉम्पैक्ट लगा ली थोड़ा सा, तो कॉम्पैक्ट से बेटर होगा। हाँ तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड मानसी यादव। बहुत बेकार लग रही हूँ, अभी पहले बाल ठीक कर मैं इसको ऐसे प्रैक्टिस करा रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी ऐसे, तो ऐसे इसको थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ा और जल्दी करेगी इसलिए। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड मानसी यादव विद वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग रियली रियली ग्रेट। सो गाइस अभी मैं हो रही हूँ रेडी, और जो एक मेरी फ्रेंड आई हुई है उसका नाम है प्रीति, आपने उसको इंस्टाग्राम के मेरी वीडियोस में भी देखा होगा और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखा होगा। तरफ से थोड़ा और दूसरा, पहले मेरे पहले वाला दूसरा वाला लगा ले, मुझे ना पहले ये लगाती हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहले पीछे वाला लगाती हूँ फिर आगे वाला शेड लगाती हूँ। सो अभी हो रही है प्रीति रेडी, और प्रीति जा रही है सिंगापुर एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए, और उसने अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रही है, क्योंकि वो उसे लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मैं उसको और हाइपर कर रही हूँ कि जल्दी रेडी है, 10 मिनट रहेंगे, 5 मिनट रहेंगे, क्योंकि फिर हम जल्दी जल्दी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और आई विश उसका इंटरव्यू बहुत अच्छे से, और आप लोगों को प्रेयर करना है कि उसका इंटरव्यू बहुत 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 अच्छा हो, और उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, वो हमें पार्टी दे उसके बाद, फिर हम मस्त पार्टी वाली वीडियो डालेंगे, पार्टी वाली वीडियो देखना आप। और अभी हम दोनों हो रहे हैं रेडी, तो मैं आपको कैमरा देती हूँ यहाँ पर, सो दैट हम दोनों रेडी हो जाए, ये हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है यार। ऐसे सर्दियों में ऐसा लगता है ना कि हमने बहुत मोटे हो गए हैं, हम मोटे नहीं हुए हैं, वो बस हमने कपड़े ऐसे पहने हैं, इस वजह से इंसान मोटा लगता है, इंसान मोटा नहीं होता। सो गाइस मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, प्रीति भी रेडी हो चुकी है, और अभी मैं शुभम डलवाने गया CNG, और उसके बाद हम निकल रहे हैं इंटरव्यू के लिए सिंगापुर एयरलाइंस की फाइनली। अभी आई विश बस जल्दी जल्दी प्रीति का सिलेक्शन हो जाए, और प्रीति भी रेडी हो चुकी है, प्रीति सुंदर लग रही है और शुभम आया नहीं है, शुभम को CNG डलवाने के लिए भेजा, और फिर देखते हैं कैसा रहता है सफर आज का। मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि कैसे यू नो क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स उसने ले लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स रख रही है, और जो भी इंटरव्यू प्रोसेस था सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि क्या क्या यू नो सारे इंटरव्यूज राउंड वगैरह हुए हैं, और कैसा सीन चल रहा है, कैसा सब कुछ है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। और 1:45 की रिपोर्टिंग है एरो सिटी में, तो 1:45 की रिपोर्टिंग एरो सिटी में, तो हम निकल रहे हैं, 12 बज चुके हैं। मेरी सांसें तो दिन डर, उसका इंटरव्यू डर मुझे लग रहा है कि भाई इंटरव्यू कैसे होने वाला है। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी कि यू नो कैसा रहता है इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल। सो यस, सो गाइस अभी मैं जा रहे हैं, मैं और प्रीति, और हम ड्राइव करके हम लोग दोनों मस्त, कैसे लगा वैसे, डर तो नहीं लगा, बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आया मुझे, मुझे तो
बस हम ड्राइव पे निकले आज, पर हम टाइम से बस पहुंच जाएंगे प्रोबेबली, और आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। हमने इतनी सारी डिस्कशन करी, इतनी सारी बस पूछो मत, बहुत सारी डिस्कशन हो गई, अब तो पक्के से मिलना ही है मुझे तो। होपफुली जल्दी जल्दी ऐसा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके साथ ना मुझे भी डर लग रहा है कि यार इंटरव्यू कैसे होगा, दुख 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 मुझे भी डर लग रहा है, और मुझे ऐसा हो रहा है कि भाई आगे से हट जाऊँ, मुझे जल्दी जल्दी इंटरव्यू उसको पहुँचाना, लेट ना हो जाइए। सो आई विश इंटरव्यू अच्छे से हो रहा है। तेरे को कैसा लग रहा है, डर लग रहा है? मुझे बहुत ज्यादा नर्वस, मतलब ये बहुत पहले ऐसे इंटरव्यू के लिए गई थी ना, अब वापस से जा रही थी। हाँ मैं लाइक फर्स्ट टाइम मैं ये एक इंटरनेशनल का मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, वो भी फाइनल राउंड तक दे रही हूँ। सो आई जस्ट बेस्ट होप कि हो जाए अच्छे से, मतलब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लोग सोचेंगे भाई इनको इतनी खुशी किस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और मुझे उसके बाद हम पार्टी करेंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। कहाँ चल रहे हो यूनिफॉर्म? मैंने इसको बोला कि देखो यूनिफॉर्म में फिट होने के लिए सिंगापुर में ऐसा होता है कि यू हैव टू यू नो फिट दैट इन यूनिफॉर्म, उनका प्रॉपर साइज होता है। दो तीन दिन तक खाना, मैंने इसको बोला कि कुछ नहीं खाने दूंगी मैं तेरे को वहाँ पे, अभी हम पहुंचते वहां से कुछ नहीं खाएगी तू, डायरेक्ट एज इफ हाँ सांस रोक कुछ भी रोक, मैं तेरे को यूनिफॉर्म में जाना है, यूनिफॉर्म में फिट होना है। सो अभी यही ट्राई कर रही है, सांस रोक के चले जाना। बिल्कुल पानी पानी बस पानी पी सकती है, नहीं कुछ भी नहीं पीऊंगी मैं तो, कुछ भी एक गुड पानी भी बताइए, एक कुछ भी ना जाए, किसी का भी वेट ना। सो अच्छा होगा फिर है ना, और हम आपको वहां जाके मिलेंगे। अभी तो बहुत धूप हो रही है, ये रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं हो रही, हम लोग जब लेट होते हैं ना यार ऐसे क्यों होता है, मेरे को समझ नहीं आता। पहुंच जाएंगे हमें वैसे भी लेट जा रहे हैं, उड़ा के चल रहा हूँ क्या, उड़ा नहीं सकते और ग्रीन लाइट। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, और लेट्स सी कैसा रहता है इंटरव्यू, और अभी हम पहुंचे हैं एरो सिटी हयात में, और लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी अपडेट तो मैं आप लोग को देती रहूंगी। गणपति पापा मोरिया, बहुत कॉम्पिटिशन रहेगा यार, कॉम्पिटिशन रहेगा, बट मुझे पता ही कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा है, आई नो यू कैन डू इट। सो गाइस हम इंटरव्यू लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और अभी जाते ही आपको करना होता है पहले अपना हाइट और वेट चेक, और उसके बाद जैसे ही हो गया आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आपको अंदर जाना होता है। और जैसे यहाँ पर सब लोग बैठ के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो आपको ऑनलाइन ही आपको मिल जाता है फॉर्म, और ये है इंटरव्यू पूरा, लोग सब लोग वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए। और बाकी गाइस डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप लोग के लिए, क्वेश्चन आंसर की कंप्लीट वीडियो, और बाकी आप पूरा दिन देखो कैसा रहा कैसा गया इंटरव्यू, सो दैट आपको आइडिया हो जाए और आप लोग को हेल्प मिले। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बता रही हूँ, इसकी पार्टी करने जा रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। नहीं मैं बता ही नहीं रही क्या हुआ है, हमें नहीं पता क्या हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, अनाउंस ही नहीं हुआ रिजल्ट। मैंने एक पता चला है कि यू नो कि कैसे इंटरव्यू जाता है, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, एंड कौन से राउंड्स होते हैं, राउंड्स में क्या क्या पूछते हैं। राउंड्स वाली से प्रॉपर बैठ के ना भी वीडियो बनाएंगे, तो ऐसे हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे राउंड्स होते हैं, उसको ये वो करके आई है तो शी नोज बेटर देन मी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आई विल लव टू शेयर द एक्सपीरियंस, प्रीतम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत मजा आएगा कि आप लोगों को हेल्प होगी। मैंने अभी मैं इंटरव्यू में गई थी प्रीति के साथ, तो जो मैंने चीज एक्सपीरियंस करी, प्रीति ने भी सुना होगा कि मैंने किसी से पूछा कि यू नो क्या आया पीआर राउंड में, तो शी वाज लाइक नॉर्मल, बस चिट चैट हो रहा था, उसमें क्वेश्चंस तो पूछे होंगे ना, तो कोई बता के राजी नहीं है यार। तो इसलिए मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ इन अ वे, सो अब प्रीति उस चीज़ में मुझे हेल्प कर रही है, सो यस। और अब मैं प्रीति से ड्राइव पे जा रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, हम जा रहे हैं मॉल, अपने चेहरे पे लड़की हमारे अंदर बन गई, तुम देख सकते हो उसके बाद। और प्रीति बैंगलोर बेस है, हाँ मैं बैंगलोर बेस हूँ, और हमको अभी लगी है बहुत जोरों से भूख, और कुछ नहीं खाया मैंने, से कुछ नहीं खाने दिया था वैसे। हाँ ये मैडम ने मुझे दो तीन दिन से खाने ही नहीं दिया क्योंकि हमें वो यूनिफॉर्म में फिट होना था करके, इसलिए हमने कुछ खाया नहीं, अब हम खाएंगे बहुत अच्छे से। हाँ अब हम जा रहे हैं मॉल, हाँ मॉल, सो चलो जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। तो गाइस अभी हम आए हैं मॉल, और अभी हम देख रहे हैं फूड कोर्ट कहाँ पर है, एमिस आ गया तो घूमते घूमते, ये H&M है क्या यार, मुझे ऐसी चीज़ें मत दिखाओ मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो मैं उधर देखने लगी शॉपिंग के लिए, नहीं जाना मुझे।
कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है यार। सो गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन जैसा भी होगा कि यू नो कैसा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ कैसा हुआ, पाँच पूरा दिन मैं आपको शेयर करूँगी सो दैट आप लोग को हेल्प हो सके, आप लोग अपना इंटरव्यू क्लियर कर सको। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी हम कुछ खाएंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद मैं ड्रॉप करूँगी पहले प्रीति को एयरपोर्ट और उसके बाद मैं जाऊँगा। सी यू बाय। बड़ा ब्लॉग में आ रहा है, मैं ब्लॉग भी कर रहा था। यूनिट से आए हाय, क्या नाम है आपका? मोहिनी। मोहिनी से मैं मिली, मुझे मोहिनी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मोहिनी वीडियोस कैसी लगती है? बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच यार, इट मीन्स अ लॉट एंड आई विश आपका ड्रीम जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। थैंक यू मैम। और प्रैक्टिस करो, ढोकला भी है, ढोकला सो हम भूखड़ की तरह खाने आए हैं, देखते हैं अब हम क्या चूज़ करेंगे। क्या तेरा मन कर रहा है खाने का? ये क्या है? इडली ढोकला। इडली दीजिए। नमस्ते सर, कैसे हो आप? हाँ। तो अभी प्रीति बोले तू जल्दी से अपना वीडियो ले, मैं फिर खाना स्टार्ट करूँगी। बंदा जो बैठा होता है वो वेट कर रहा होता है। तो गाइस अभी हम आए हैं, इसका मैं खाने का वेट कर रही हूं। लेट्स सी, अब खाते हैं। बेचारी बहुत देर से वेट कर रही है। टूट जा इसके ऊपर। मैंने पाव भाजी भी ऑर्डर कर ली है, पाव भाजी भी आ चुकी है। तो हैंड वॉश करने चले, मैं हैंड वॉश करने जाती हूँ। सो गाइस प्रीति जा रही है और हम पहुंच चुके हैं फाइनली एयरपोर्ट। और बहुत मजा आया ना, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ ड्राइव पे करते हुए। ओह माय गॉड, अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी कार चाहिए, मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। पर अभी मेरे को कोई आज मिला बंदा जिसको मैं ड्राइव पे लेके जाऊँ मम्मी के अलावा, मस्त मजा आया पूरी दिल्ली को। मैम आज तो हम बॉय मैम बिज मॉल गए अभी। थैंक यू सो मच यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। पक्का बोल रही है, सोने के लिए पक्का आएगी। इसको नींद अच्छी आई घर पे आज, है ना? बहुत अच्छी नींद आई, मैं सोने के लिए तुम्हारी रोटी खाने जरूर आऊंगी। मैंने रोटी बनाई थी, रोटी इसको अच्छी लगी। मैंने गंदी रोटी नहीं बनाई थी, नहीं बनाई थी गंदी रोटी, घी डाल के डालना है। ओह माय गॉड। चलो बाय, अपना ध्यान रखियो और जब पहुंच जाएगी तो मैसेज कर दिया। बिल्कुल, और अच्छे से आराम से जाइयो। बता दियो प्रायोरिटी मिली नहीं मिली, अगर नहीं मिलोगी तो वापस आ जाइए। वापस आ जाइए, छोड़ दियो फ्लाइट। चलो ठीक है, कैंसिल हो तो बता दियो, वापस आ जाइए, मैं तेरे को लेने आ जाऊंगी। आराम से ठीक है, आराम से जाइयो। बाय बाय। जा रही है और मैं जा रही हूँ वापस घर ड्राइव करके, और यहीं पे करती हूँ व्लॉग एंड। और आई होप व्लॉग अच्छा लगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्रीति पीछे वर्ड बाय, यहाँ से आप ही दिख रहा है। बाय बाय।